हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन मेट्स। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे साइप्रस वाइन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही खूबसूरत स्टार शेप फ्लावर्स आए हुए हैं। ये आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये फ्लावर समर से लेकर रेनी सीजन तक बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। यहाँ तो अभी सितंबर है, फिर भी आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से रेड कलर्स फ्लावर आए हुए हैं। इस प्लांट को बेसिकली डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद है, तो आप इसे जैसे इसलिए मैंने इसे विंडो में लगाया हुआ है, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आप इसे अच्छे से एक धूप वाले स्पॉट में ही लगाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें इसके लीव्स काफ़ी टेंडर है, बहुत ही डेलिकेट थ्रेड लाइक। तो जब भी इसे ग्रो कीजिएगा, इसे ऐसे कोई सपोर्ट दे दीजिएगा। बिना सपोर्ट के इसके जो डंडियाँ है ये सूखने लगेंगे या फिर ये टूट जाएगा। और अब जब जैसे ही इसमें ऐसे स्टेम्स निकलने लगे, इसे बस कहीं पर इंट्वाइन कर दीजिए। और जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात है, तो आप इसे कोई भी गार्डन सॉइल में आप लगा सकते हो, आराम से ये ग्रो कर जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मिट्टी को ज़्यादा सूखने ना दे। आप अगर एक दिन भी पानी इसमें मिस कर देते हो, तो इसके सारे पत्तियाँ सूखने लगेंगे और ये प्लांट मरने का भी डर रहता है। आप लेकिन ज़्यादा गीला मिट्टी भी मत कीजिए कि इसे रूट रॉट के प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखिएगा। ये आपको पूरे समर से रेनी सीजन तक ब्लूम करता है और ये मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली को बिलोंग करता है। मॉर्निंग ग्लोरी भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। मैंने उसमें भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। ये प्लांट आपको एक ही बारी फूल देता है, उसके बाद ये सूखने लगते हैं। बट इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत सारे सीड्स भी देता है। तो जब भी आप इसमें देखें सीड्स आने लगे हैं, उसे कलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ एक, अच्छा यहाँ पर है, ये देखिए ये जब फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा ना, तो उसे देखिएगा, ये पहले ग्रीन कलर का होगा, तो ये सूखने लगता है। ठीक है, जब सूखने लगेंगे ना, तो इसमें सीड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आप इसे अगर पूरी तरह जब ब्राउन हो जाए, इसे ऐसे निकाल लीजिए ये सीड को। ठीक है, देखिए इसमें ब्राउन सीड्स आते हैं, ऐसे किसी में दो, किसी में चार ऐसे सीड्स आएंगे। तो यानी कि जितने सारे फ्लावर्स आए हैं, आपको उतने सारे सीड्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो सारे सीड्स को कलेक्ट कीजिएगा और आप सिंपली गार्डन सॉइल में छिड़क दीजिएगा, तो ये खुद ब खुद नया प्लांट आना शुरू हो जाएगा। तो ये आप इसको कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हो। देखिए आप देख सकते हो, क्योंकि अभी ये भी सूखने लगा है, क्योंकि ये काफ़ी फ्लावरिंग किया है ये प्लांट समर से ये है। तो एक बार इसका फ्लावरिंग सीजन ख़त्म हो जाए, तो ये ऐसे ब्राउन होकर ये सूखने लग रहा है। तो मैंने ये अपने विंडो में भी लगाया है, तो मैं आपको वो विंडो का भी दिखा दूँगी। पहले मैं यहाँ से बाकी का सीड भी कलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये ऐसे सीड्स आते रहेंगे, बहुत सारे सीड्स हो गए अभी, तो ऐसे ही आप कलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा जब वो ग्रीन हो तब मत निकालिए, डार्क ब्राउन और बहुत ही सूख जाए तब उसे आप कलेक्ट कर लीजिएगा। तो ऐसे क्या है कि आपका प्लांट मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अपनी विंडो में ले जाती हूँ। तो ये है मेरा दूसरा प्लांट, ये काफ़ी खूबसूरत से यहाँ भी ग्रो हुआ है। आपको जो मैंने पहले दिखाया वो मेरा मेन प्लांट है, वहाँ से सीड कलेक्ट करके मैंने ये प्लांट को यहाँ लगाया हुआ है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, ये जो साइप्रस वाइन है वो दूसरे पॉट के साथ बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो मैंने इसे 9 o'clock प्लांट के साथ लगाया है, जब इसमें इसके जैसे पिंक फ्लावर्स आप देख सकते हो, और पिंक फ्लावर्स के साथ जब वो रेड कॉम्बिनेशन ग्रो होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने जो ये सीड कलेक्ट किया है, बस मैं इस प्लांट में ऐसे छिड़क दूँगी, तो ये खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। बस इसमें और कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्लांट एक ही बार फ्लावरिंग करता है, उसके बाद ये सूख जाएगा, तो बेटर यही है कि आप इसे सीड से ग्रो करें। स्टार्टिंग में जब 3 साल पहले मैंने मेन प्लांट लाया था, तो उस वक्त मुझे पता नहीं था, तो नर्सरी में उसने मुझे 250 रुपीज़ में एक पूरा फूल से भरा हुआ प्लांट दिया था। बस घर में लाते ही 2 हफ्ते के अंदर वो मर गया। तो और उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि वो सीड्स, उसमें ही सीड आते हैं फ्लावर झड़ने के बाद, तो उन्हें मैंने कलेक्ट भी नहीं किया था, तो मेरे पूरा वो वेस्ट हो गया वो प्लांट। तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर लूँ। तो आप भी बेटर यही है, सीड से लाके ग्रो कीजिए,
वो आपको फ्लावर सूखेंगे, आप सीड कलेक्ट करते रहिए और आपका प्लांट ऐसे सालों साल आते रहेगा। और सिंस आई एम फ्रॉम कैलकटा, अगर आप किसी को भी कैलकटा में ये सीड्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तो मैं आपसे ये सीड शेयर कर लूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।